हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2021 की डिटेल्स, डेट्स एंड फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स एंड फ्रेंड्स अदर्स इम्पोर्टेंट्स डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। एंड फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी जी आने वाली है, इसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2021 37,000 अपकमिंग वैकेंसी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन नोटिफिकेशन एग्जाम डेट अप्लाई ऑनलाइन कब से होने वाला है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2021 अपकमिंग वैकेंसी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताने वाले, एग्जाम डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन एंड वैकेंसी डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स गिवन बिलो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं गुड न्यूज़ है, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है इसमें आपके यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज आपकी, इसमें 37,000 पोस्टें आने वाली है आरआरबी एएलपी में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट डिटेल्स है आपके कुछ इस प्रकार है। जॉब टाइप तो फ्रेंड्स रेलवे जॉब्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि रिक्रूटमेंट अपकमिंग आरआरबी एएलपी 2021 ये वैकेंसी आने वाली है। एंड फ्रेंड्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2000 आरआरबी सॉरी। नंबर ऑफ वैकेंसी 37,000 टोटल इसमें वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन रिलीज ऑन तो फ्रेंड्स ये जल्दी आपका रिलीज होने वाला है। नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन मोड तो फ्रेंड्स ऑनलाइन, इसमें आपको आवेदन करना होगा। आप इस पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है अब, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल सून अनाउंस द आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग द डिफरेंट पोस्ट इज ऑन द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट इन इंडिया। इट रिक्रूट लाख्स ऑफ पीपल एवरी ईयर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट विल सून रिलीज द आरआरबी एएलपी नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड इट इज एक्सपेक्टेड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन अप्रैल 2021। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो अपकमिंग वैकेंसी के बारे में हमने आपको बता दिया है कि इसमें कितनी वैकेंसीज आने वाली है। अब बात आती है आपकी योग्यता की। तो फ्रेंड्स, आपकी योग्यता इसमें होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल या भूटान का, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज मैरिड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जिम्बाब्वे एंड अदर। तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी बात आती है तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप 10th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको और क्या क्या चाहिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात आती है तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी होने वाली है, 18 ईयर्स इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट है। एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 28 ईयर एज लिमिट है। अब बात आती है आपकी कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, ओबीसी के लिए इसमें 3 ईयर्स की छूट मिलने वाली है, एससी एसटी को 5 ईयर्स की, एंड जो आपको पीडब्ल्यूडी है उसके लिए आपको 10 ईयर्स की, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी के लिए 13 वर्ष की, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स की छूट मिलने वाली है। विडो डिकवर्ड वुमेन एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्हें छूट मिलने वाली है 35 ईयर की छूट मिलने वाली है। इस प्रकार आपको इसमें छूट का ये दिया जाए छूट दिया जाएगा। अब बात आती है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इसमें फ़ीस फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन एंड मिनोटरी ईबीसी के लिए इसमें 250 रुपये फीस है, एंड अदर कैंडिडेटों के लिए इसमें 500 रुपये फीस है। अब बात आती है इसमें आप एसबीआई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी इसमें आप इसकी फ़ीस भर सकते हो। एंड स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो फ्रेंड्स जल्दी आने वाले है, एंडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो फ्रेंड्स इसके अभी भी कोई घोषणा नहीं की गई है। एंड हाउ टू अप्लाई एआरआरबी एएलपी फ्रॉम 2021 तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कैसे करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पर से इसको फिल करना होगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।